एक्चुअली अगर आप देखोगे तो एट द एंड ऑफ कैपेसिटेशन अब हम लोग का क्या है, मियोसिस टू इज कंप्लीटेड इन द ओवम एंड द सेकेंडरी ओसाइट इज नाउ ट्रांसफॉर्म इनटू एन ओटिड। ओके, तो ओटिड का जेनेटिक कंपोजिशन क्या है, एन कॉमा सी, जबकि सेकेंडरी का क्या था, एन कॉमा टू सी। समझ रहे हो? फुल स्टॉप। ड्यूरिंग दिस डिवीजन, ओके अगेन इसमें लिखेंगे, दिस डिवीजन इज ऑल्सो एन अनइक्वल डिवीजन विथ रेस्पेक्ट टू साइटोकाइनेसिस। ठीक है, इसमें भी आपका अनइक्वल डिवीजन होता है, प्रोड्यूसिंग ए स्मॉल क्या, सेकेंड पोलर बॉडी, प्रोड्यूसिंग ए स्मॉल सेकेंड पोलर बॉडी कॉमा एन सी। ठीक है, एंड ए लार्ज ओटिड। ठीक है, नाउ अब गेस करिए, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इनसाइड द ओटिड इज नाउ हाउ मच, बताइए ओटिड के अंदर कितना न्यूक्लियाई है, इज नाउ टू, कौन सा, ए है मेल प्रो न्यूक्लियाई एंड नंबर बी है फीमेल प्रो न्यूक्ली। ठीक है, तो मेल प्रो न्यूक्लियाई एंड फीमेल प्रो न्यूक्लियाई दोनों उसके अंदर होंगे। ओके, बोथ ऑफ दीज आर रेडी टू फ्यूज विथ ईच अदर। समझ रहे हो, ये आपका खत्म हो गया क्या, सो दिस स्टेप इज कॉल्ड योर फर्टिलाइजेशन। ओके, तो जो हम लोग फर्टिलाइजेशन डिस्कस कर रहे थे, तो ये आपका फर्टिलाइजेशन खत्म। तो इसलिए हम लोग स्टेप्स पहले देख लेंगे, क्या लिखा था हमने, फर्टिलाइजेशन हो गया बस। तो अब हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है, तो दैट इज कॉल्ड एम्फीमिक्सिस। ओके, सो सर, नेक्स्ट, हाँ बोलो। सर लास्ट क्लास में आपने पूछा था कि ओवम के इनसाइड कितने न्यूक्लियर रहेंगे, तो आप आंसर 3 बताए थे, एक पोलर बॉडी, मेल प्रो न्यूक्लियस एंड फीमेल प्रो न्यूक्लियस। हाँ तो सोचो सोचो, ओवम, ओवम का मतलब क्या है, ओवम का मतलब कोरोना रेडियाटा, जोना पेलुसिडा, उसके अंदर का हाल है। इसका मतलब उसके अंदर क्या है, एक तो सेकेंडरी ओसाइट है, उसमें दो न्यूक्लियाई होगा, एक फर्स्ट पोलर बॉडी है, बट यहाँ हम पर्टिकुलरली उस ओटिड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, समझ लो कि नहीं। इसलिए यही तो मजा है रे बाबा एमसीक्यू का, एमसीक्यू का मजा यही होता है। आप देखिए, ये है हमारा ओवम, दिस होल थिंग इज कॉल्ड ओवम, तो इसीलिए अंदर दो न्यूक्लियाई होंगे एंड बाहर एक न्यूक्लियाई होगा। ओके, अगर फर्टिलाइजेशन अटेम्प्ट हुआ है, नहीं हुआ है तो दो ही होगा, ये याद रखना। सी विच स्टेट यू हैव टू थिंक, अगर हम लोग बिफोर पेनिट्रेशन बात करेंगे तो दो होगा, अगर हम आफ्टर पेनिट्रेशन बात करेंगे तो क्या होगा, तीन होगा। बट ऊटिड बनने के बाद, अब ऊटिड कौन है, सिर्फ ये ऊटिड है, ये बाहर वाला ऊटिड नहीं है, इसीलिए इसके अंदर दो ही न्यूक्लियस होंगे। सपोज मैं बना दे रहा हूं, क्या हो गया इसको,
ये देखिए, सपोज ये एक न्यूक्लियस है एंड हमने ये एक न्यूक्लियस बना दिया, समझ रहे हो? तो ये मेल प्रोन्यूक्लियाई, ये फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, ये आपका क्या फर्स्ट पोलर बॉडी। सपोज बिफोर पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म ऐसा सिचुएशन होगा, क्या क्या है? सेकेंडरी ओसाइड न्यूक्लियाई एंड आपका जो फर्स्ट पोलर बॉडी, मुझे गला। बट अभी आप सिर्फ इस अंदर वाले सर्कल का बात करो, तो अंदर वाले सर्कल में अब क्या होगा? एक मेल प्रोन्यूक्लियाई होगा एंड एक फीमेल प्रोन्यूक्लियाई होगा एंड बाहर एक और आ जाएगा। तो इसलिए अगर हम पूरा सेटअप डिस्कस करें तो चार न्यूक्लियस होता है, बट सिर्फ ऊटी डिस्कस करें तो दो न्यूक्लियस होता है। तो मैं बिकॉज बाकी दोनों जो है, जो पोलर बॉडी yes, वो जोना पेलुसिडा के बाहर और वो एग मेम्ब्रेन के अंदर होता है। ओके, तो दे लाई बिटवीन द जोना पेलुसिडा एंड एग मेम्ब्रेन, समझ में आया? चलिए, इट्स अ गुड क्वेश्चन बिकॉज ये क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा हम किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं। तो ओटिड इज ओनली द फ्यूचर ऑफ द एग, वो जोना पेलुसिडा के अंदर वाले स्ट्रक्चर को ओटिड बोला जाता है, बाहर वालों को नहीं, ठीक है जी? बट ओवम पूरे चीज को बोला जाता है। ओके, चलो मैं आपको एक बार ड्रॉइंग करके भी समझा दूं, क्योंकि एक अच्छा टॉपिक है तो वी कैन ड्रॉ इट। सपोज मैं बना रहा हूं, ये है हमारा क्या जोना पेलुसिडा, ठीक है? तो दिस इज जोना पेलुसिडा। उसके अंदर आ गया ये बड़ा वाला है सेकेंडरी ओसाइट, ठीक है? एंड ये जो छोटा वाला है ये है फर्स्ट पोलर बॉडी, मुझे अला। तो इसके अंदर जनरली एक ही न्यूक्लियस होता है, दैट इज द व्हाट, सेकेंडरी ओसाइट न्यूक्लियस। तो दिस इज बिफोर फर्टिलाइजेशन, ओके, बिफोर पेनिट्रेशन। आफ्टर पेनिट्रेशन क्या होगा? आपका एक और न्यूक्लियस आ जाएगा, तो दिस इज द स्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है? तो ये है आपका सेकेंडरी ओसाइट विथ स्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है? फिर धीरे धीरे एक्टिवेशन होगा एंड आपका मियोसिस वन कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही मियोसिस टू कंप्लीट हो जाएगा, ये जो न्यूक्लियस है ये क्या बन जाएगा? दिस इज कॉल्ड ओटिड न्यूक्लियस एंड बाहर एक और सेल आ जाएगा, उसका एक छोटा सा न्यूक्लियस है प्लस एक और सेल आ जाएगा, फाइन? तो ये जो स्ट्रक्चर है, सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड ओटिड, समझ रहे हो? तो इसलिए कितना न्यूक्लियस हो गया, दिख गया? Is it visible? How many nuclei? Yes, sir. But okay, this is the whole thing is called, the whole thing is called secondary oocyte after sperm entry. Kitna nucleus hai? Bolo. जल्दी बोलो, ये तो आसान क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन और एक बार रिपीट कर दो। हाउ मेनी न्यूक्लियाई इन द ओवम? आफ्टर स्पर्म एंट्री एंड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ ओटिड, फोर। हाँ, अभी 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 ये ड्राइंग में सर फोर। अब कहाँ फोर है, तीन ही तो दिख रहा है अभी ड्राइंग में, तीन है। हाँ, तो ये सेकेंडरी ओसाइट है, सो दिस इज सेकेंडरी ओसाइट, समझ रहे हो? प्लस स्पर्म, फाइन। बट अगर हम आफ्टर डिवीजन देखेंगे तो क्या होगा? जब डिवीजन हो जाएगा, मियोसिस टू कंप्लीट हो जाएगा, तो ये भी न्यूक्लियस हो जाएगा एंड यहाँ एक छोटा सा सेकेंड पोलर बॉडी बाहर निकल जाएगा। तो आप इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं?
उटिट। तो अब उटिट में कितना न्यूक्लियस है? दो। दो। ओके, बिकॉज ये दोनों उटिट के बाहर हैं। अंडरस्टूड। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अभी सेकेंडरी ऊसाइट में कितने न्यूक्लियस हैं? बोलो सर। दो। 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 बट ओवम में कितना न्यूक्लियस है? ओवम कौन सा है? ये बाहर वाला। तीन। अब ये तीन, समझ में आया? सो द होल एपरेटस इज कॉल्ड ओवम, बट इफ यू रिमूव दिस, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ऊसाइट, समझ में आया? एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए। तो ये बहुत क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वेरी गुड डाउट टू आस्क, फाइन। चलिए, सो नंबर ऑफ न्यूक्लिया इनसाइड द यूटिड इज नाउ टू, फाइन। मेल न्यूक्लियाई। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्या, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर फर्टिलाइजेशन। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, उस स्टेप को हम कहते हैं एम्फीमिक्सिस। ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एम्फीमिक्सिस। क्लियर? Now, so what is amphimixis? Now, assume as soon as the female pronuclei is produced, now both male and female pronuclei undergo amphimixis and will ultimately form a diploid 2N 2C zygote। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये क्या बनाएगा? 2N 2C zygote। ठीक है जी, तो as soon as the female pronuclei is produced, okay, comma, अरे क्या हो गया, okay, ये हेडिंग उड़ गया, amphimixis। चलो इसको कर देते हैं पिंक। ओके, एज सून एज द फीमेल प्रोन्यूक्लिया इज प्रोड्यूस, नाउ बोथ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लिया अंडरगो एम्फीमिक्सिस एंड विल अल्टीमेटली फॉर्म ए डिप्लॉयड जाइगोट। ओके, ये डाइगोट बन गया, फुल स्टॉप। दिस प्रोसेस टेक्स नियरली 24 hours in humans. Okay, this process takes nearly 24 hours in human. Now, the first embryo or zygote is now formed. Okay, so embryo kya hai? Zygote kya hai? जाइगोट पहला दिन का बच्चा है। ओके, द फर्स्ट एम्ब्रियो इज ऑल्सो रेफर टू एज द जाइगोट। ठीक है, तो इसलिए आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपका एम्फीमिक्सिस होता है, एम्फीमिक्सिस के बाद जाइगोट बनता है। नाउ दिस वन जाइगोट विल फॉर्म ए मल्टी सेल्यूलर बेबी, सो दिस प्रोसेस इज देयरफॉर रेफर टू एज क्लीवेज। ठीक है, तो वो डिविजन जो है उसको हम कहेंगे क्लीवेज। ओके, सो अब वो हम नेक्स्ट पॉइंट पे चले जाएंगे। ओके, सो दिस इज कॉल्ड
क्लीवेज डिविजन्स, ओके तो क्लीवेज डिविजन्स, तो नाउ क्लीवेज इज डिफाइंड एज ए स्पेशल टाइप ऑफ माइटोटिक डिविजन, ओके तो क्लीवेज इज रेफर्ड टू एज ए स्पेशल टाइप ऑफ माइटोटिक डिविजन which converts the unicellular diploid zygote to a multicellular diploid embryo, okay, known as morula. Fine. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लीवेज डिविजन, ठीक है, समझ में आया? तो इसलिए जो क्लीवेज जो है, ओके तो क्लीवेज इज डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ माइटोटिक डिविजन, ओके विच कन्वर्ट्स द यूनिसेल्युलर डिप्लॉयड जाइगोट टू ए मल्टीसेल्युलर एम्ब्रियो नोन एज मोरूला, ओके फुल स्टॉप. नेक्स्ट पॉइंट, ओके उसको मरूला क्यों कहते हैं, बिकॉज इट रिजेंबल्स द फ्रूट ऑफ मलबरी, ओके सो द मरूला इज मेड अप ऑफ 16 और मोर सेल्स within the zona pellucida, okay to isme zona pellucida intact hai, ye yaad rakhna, okay so the marula is made up of 16 or more cells within the zona pellucida, okay so this is the concept. Now it is माइटोटिक, क्यों इसको माइटोटिक क्यों बोलते हैं, माइटोटिक बिकॉज दीज डिविजन्स आर इक्वेशनल एंड प्रोड्यूस टू डॉटर सेल्स नोन एज ब्लास्टोमियस, ओके नोन एज ब्लास्टोमियस, तो समझ रहे हो, इसको भी हम यहां लिख देंगे, ओके सो नोन एज ब्लास्टोमियस, सो इट इज कॉल्ड माइटोटिक बिकॉज जो डिविजन है वो इक्वेशनल है. इक्वेशनल का मतलब क्या है बताइए, 2N2C becomes क्या, becomes 2 into 2N, 2C, understood, तो ये आपका कंसेप्ट है, yes sir, तो 2N2C बन जाता है 2 into, why we are writing 2 into, because दो daughter cells बन, ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशनल डिविजन बोलते हैं, एंड दो डॉटर सेल्स बनता है इसीलिए ये हमारा क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड माइटोसिस. नाउ सच ए माइटोसिस इज रेफर्ड टू एज ए स्पेशल केस बिकॉज नंबर ए द size of the zygote is equal to the size of the morula, समझ रहे हो, तो zygote का जो साइज है morula का वही साइज है, so such a mitosis is referred to as special because the number a the size of zygote is equal to size of morula, क्यों, ब्रैकेट में दिस इज बिकॉज
जोना पेलुसिडा इज ए वेरी टफ नॉन लिविंग लेयर, ओके, नॉन लिविंग लेयर कॉमा सो नॉट कैपेबल ऑफ ग्रोथ। ये पॉइंट समझ में आया, बताइए। यस सर। एक्चुअली जो जोना पेलुसिडा है वो नॉन लिविंग लेयर है, ओके, सो जब नॉन लिविंग लेयर है तो वो तो ग्रो नहीं करेगा, तो इट डज नॉट ग्रो विद द एम्ब्रियो। इसीलिए जो साइज जाइगोट का है वही साइज मरूला का है, therefore cleavage divisions do not obey kernplasm theory, है कि नहीं, समझ रहे हो? ओके, तो when does a cell divide? Cell कब divide करता है? जब वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो बड़ा हो जाने से क्या होगा? बोलिए, आपका surface area to volume ratio कम हो जाएगा and nucleus to cytoplasm ratio कम हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं kernplasm theory। Okay? तो what is this? Decrease in surface area to volume ratio and a decrease in nucleoplasm to cytoplasm ratio, ठीक है, so इसको हम लोग kernplasm theory कहते हैं। कोई शक? Understood? तो ये कान प्लाज्म थ्योरी है, अगर आप लोग सेल डिवीजन अच्छे से पढ़े होगे तो समझ में आएगा ये क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है सर। आप जोना पेलुसिडा पढ़ाने के टाइम में भी ये बताए थे। हाँ वही है, क्योंकि वो बड़ा नहीं हो सकता, समझ में आया। देखो मेरा प्रॉब्लम क्या है, मैं ऑटो रिविजन मोड में हूँ, मैं एक चीज 100 बार बोलता हूँ, उससे होता क्या है, आपको रिविजन का जरूरत नहीं। Understood? So that is what is our objective. ठीक है? चलिए. And that is why you don't like JJS, you like Kaju Kismis. ठीक है? चलिए. तो ये हमारा concept हो गया. तो ये पहला point है, क्योंकि special है. Secondly, okay, oxygen consumption per unit volume क्या होगा? इंक्रीजेस ना डिक्रीजेस? बोलो। इंक्रीजेस। हाँ बोलो। इंक्रीजेस। सुनाई नहीं दे रहा है सर। इंक्रीजेस। व्हाई? इंक्रीजेस। व्हाई? व्हाई? अब बोलो व्हाई। अब सर वॉल्यूम सेम है लेकिन नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए, खाने पीने वाले बढ़ गए, ओके। दूजी बात, एक और लॉजिक है, यही सब, यू नो, जेजेस का स्टूडेंट जो है व्हाई ही स्पेशल, क्योंकि वो ये सब आंसर दे सकता है, ठीक है, आंसर समझ में आया। तो ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ने का एक कारण है पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है। दूसरी बात, जैसे ही सेल नंबर बढ़ेगा साइज क्या होगा इस सेल का? घटेगा। घटेगा तो साइज घटने से सरफेस एरिया टू वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा, बढ़ने से मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन कंजम्पशन क्या होगा? बढ़ जाएगा। बढ़ेगा। बढ़ जाएगा। आ गया कि नहीं मजा? So many stories are there. चलिए, very good. Okay? So यही मजा लेना है थोड़ा।
सो यही मजा हम लोग को लेना है, इसलिए हम लोग क्या गाना गाते हैं, इतना मजा क्यों आ रहा है जो हम लोग क्लीविज डिविजन्स पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? तो इसमें मजा आना चाहिए, शुड एंजॉय, आ गया समझ? तो इसलिए व्हाई इट इज कॉल्ड स्पेशल, एक तो हम लोग सुनते थे डिवीजन के बाद सेल छोटे हो जाते हैं, ओके फाइन, डिवीजन के बाद सेल छोटे हो जाते हैं एंड फिर बड़ा होने के बाद ही डिवीजन होता है, ओके व्हेन द सेल विल अगेन डिवाइड आफ्टर इट बिकम्स बिगर, बट यहां सेल कब डिवाइड कर रहा है, स्मॉलर में, ओके जो कि एक मैजिक है, स्मॉल सेल्स डू नॉट डिवाइड। दूसरा, ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ रहा है, इवन फूड कंजम्पशन क्या होगा, सेम हम लिख देंगे, वो भी बढ़ जाएगा, है कि नहीं? सो फूड कंजम्पशन पर यूनिट वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है जी? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्लीवेज इन ह्यूमंस, द क्लीवेज इज नंबर ए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेरीडियोनल, मतलब अकर्स अलोंग द एग एक्सिस, ओके ये मेरीडियोनल क्लीवेज होता है। उसके बाद नंबर बी क्या होता है, जो फर्स्ट थ्री क्लीवेज डिविजन्स आर क्या, बोलिए, आर ईच अदर इनडिटर्मिनेट, ओके इसका मतलब क्या है, फ्यूचर ऑफ डॉटर सेल्स इज नॉट डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ क्लीवेज। समझाया? तो पहला डिवीजन हमारा क्या है, मेरिडियोनल, ओके दूसरा क्या है, इनडिटर्मिनेट, मतलब क्या है, अकर्स अराउंड द एग एक्सिस एंड इसमें क्या है, फ्यूचर ऑफ डॉटर सेल इज नॉट डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ क्लीवेज, समझ रहे हो? मतलब कौन सा सेल क्या बनेगा ये अभी फिक्स्ड नहीं है, समझ में आया? अगर डिटर्मिनेट होने से क्या ट्विन हो सकते थे, अगर डिटर्मिनेट क्लीवेज होगा तो सपोज लेफ्ट वाला फर्स्ट वाला सेल जो फर्स्ट डॉटर सेल हेड बनेगा, सेकेंड डॉटर सेल बॉडी बनेगा, तो अगर आप फर्स्ट डॉटर सेल उड़ा दोगे तो उस बच्चे का क्या होगा, हेड नहीं बनेगा, समझ में? इसको डिटर्मिनेट क्लीवेज बोलते हैं। इनडिटर्मिनेट का मतलब है अभी तय नहीं हुआ है, इसका मतलब एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ सेल स्टेज तक आपका क्या, इनडिटर्मिनेट क्लीवेज होता है, इसका मतलब आठ बच्चे भी हो सकते हैं, एट ऑक्टुप्लेट्स, कोई शक? नो सर, नो। चलिए तो फर्स्ट थ्री डिविजन्स आर इनडिटर्मिनेट। उसके बाद सी, ओके अर्ली डिविजन्स आर इक्वल बट एटलीस्ट वन अनइक्वल डिविजन इज रिपोर्टेड, समझ रहे? जो क्लीवेज डिविजन्स है वो इक्वल है, इक्वल है का मतलब क्या है, इक्वल है का मतलब है नंबर ऑफ सेल्स, साइज ऑफ डॉटर सेल्स सेम होगा, बट अब ये जो है एटलीस्ट एक अनइक्वल है बोल रहा है, क्यों?
क्योंकि हम बॉडी में टू टाइप्स ऑफ सेल्स देखते हैं। अगर आपका अलग अलग साइज का सेल बन रहा है, इसका मतलब कभी ना कभी तो अनइक्वल डिवीजन हुआ है। ओके, सपोज अभी हम लोग लंच शेयर कर रहे हैं, हमने सब टिफिन ले लिया। सांवली सलोनी क्या है, वो लड़की है, उसकी मम्मी उसको भरपेट खाना देती है, तो वो 6 रोटी लाती है, सब्जी लाती है, डालमा लाती है, बहुत सारा चीज लाती है। बट शुभम जो है सुकड़ा बिस्कुट लेकर आता है। ओके, बट बांटते समय हमने सारा बहुत सारा सब लड़के ले गए, सांवली सलोनी को आधा रोटी दे दिया, तो ये डिविजन इक्वल था कि अनइक्वल था? अनइक्वल, समझ रहे हो भाई? इक्वल शेयरिंग तो करो, सब अपना टिफिन शेयर कर रहे हो तो सबको तो सेम भागो दो। नहीं नहीं ये लड़की है, क्या खाएगी करके उसको कम दे दिए, समझ रहे हो? तो जस्ट लाइक दैट। तो इसका मतलब क्या है, हाउ डू वी नो कि अनइक्वल हुआ है? क्योंकि हमने देखा है एम्ब्रियो फॉर्मेशन में दो तरह के सेल्स मिलते हैं, बड़े सेल्स एंड छोटे सेल्स, ठीक है? सो दैट इज व्हाई वी आर हैविंग ए डाउट। कोई शक? तो ये हमारा हो गया क्लीवेज डिविजन्स। ओके, तो आफ्टर क्लीवेज अब हमारा बनेगा, तो इधर एक फोटोग्राफ हम ले आते हैं। ओके, कहाँ से लाएंगे? ये वाला ले आते हैं। ओके, तो यहाँ देख रहे हो ये बढ़िया डिविजन्स दिख रहा है हमारा। नहीं नहीं, हाँ रावल जी अभी बड़ा उच्च कैंडिया। ओके, आप देखो ये क्या है, ये आपका जाइगोट है, फिर ये 2 सेल है, ये 4 सेल है, ये 8 सेल स्टेज है, एंड ये आपका मरूला है, फिर ये आपका ब्लास्टुला है या ब्लास्टोसिस्ट। तो इसलिए नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम लोग लिखेंगे ब्लास्टुलेशन। ओके, ब्लास्टुलेशन। नाउ ब्लास्टुलेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, ओके, सो इट इज द, ओके, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ ए 2-layered ब्लास्टुला फ्रॉम ए, क्या, फ्रॉम ए सॉलिड मरूला स्टेज, ठीक है? तो ये आपका ब्लास्टुलेशन है। ओके, सॉलिड मरूला स्टेज। नेक्स्ट पॉइंट,